चलो बेटा, तो क्लियर हो गया SN2 के बारे में। अभी जो मैंने आपको डिस्कस किया कि भाई कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं है, सिंगल स्टेप का रिएक्शन है, R इज इक्वल टू K इंटू RCL ओवर माइनस ऑर्डर 2 का रिएक्शन है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसे वेरी करेगा। हेडिंग डालो, फैक्टर्स फेवरिंग SN2 रिएक्शन, फैक्टर्स फेवरिंग SN2 रिएक्शन। आप बताओ कौन से फैक्टर होंगे। सबसे पहला तो कि भाई कार्बोकैटायन स्टेबल ना बने, ताकि इसका जो कंपटीशन है वो खराब हो जाए SN1 के साथ। तो लिख लो, पुअर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, पुअर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, पुअर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखने हो तो बेटा जैसे मान लो ये तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है CH3X या CH3 लीविंग ग्रुप, है ना, दूसरा 1 डिग्री वाला लीविंग ग्रुप, ये सब किससे जाएंगे, किससे जाएंगे, ये सब SN2 से। लिख लो, मिथाइल हेलाइड एंड मिथाइल विथ लीविंग ग्रुप या फिर इथाइल विथ लीविंग ग्रुप। समझ गए, तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन अगर बन रहा हो तो ये सब किससे जाएंगे, SN2 से। अगला लिखो, अगला लिखो भाई, कौन सा सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर एप्रोटिक। लिखो, सॉल्वेंट शुड बी पोलर एप्रोटिक। ठीक है, तीसरी चीज आते हैं, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग या वीक। लिखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल शुड बी देयर, लाइक RS-। मैंने न्यूक्लियोफिलिक का ऑर्डर भी लिखवाया था आप लोगों को। बोलो भाई देखो, RS-, I-, ये सब कैसे न्यूक्लियोफाइल होते। बोलो, PPH3। बोलो भाई, ये सब कैसे न्यूक्लियोफाइल है, पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है। ये सब न्यूक्लियोफाइल अगर जाके अटैक करें तो रिएक्शन SN2 की टेंडेंसी में चला जाएगा। अब एक और फैक्टर लिखते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ, मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज है कि अगर मैं रेट को स्लो या फास्ट होने की बात करूं कि SN2 कब फास्ट होगा एंड SN2 कब स्लो होगा, तो एक तो कितने लोग कह रहे हैं सर एक फैक्टर इस पे भी है कि जो न्यूक्लियोफाइल साथ में आने की कोशिश कर रहा है, अगर इस जगह पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो सबसे छोटा ग्रुप, इससे बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं अगर वो लग जाए तो फिर डिफिकल्टी आने लगेगी। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लिखो, रेट ऑफ SN2 इज अफेक्टेड बाई स्टेरिक हिंड्रेंस, मोर द हिंड्रेंस स्लोअर विल बी द रेट ऑफ अटैक, मोर द हिंड्रेंस स्लोअर विल बी द रेट ऑफ अटैक। अब जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल दूं कि बताओ भाई, अगर मैं सभी का लीविंग ग्रुप एक ही रखूं, तो SN2 का इसमें ऑर्डर क्या आएगा, रेट का रिलेटिव ऑर्डर क्या आएगा, नेचुरली सबसे फास्ट ये फॉलोड भाई, ये सब खराब ये हुआ, इससे भी खराब कौन सा होगा, 3 डिग्री। अरे आ रहा है बात समझ में, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री करोगे तो और भी खराब हो जाएगा, RCL 3 डिग्री में उसको R ही लिख दे रहा। बोलो भाई, तो देख रहे हो ये 3 डिग्री से जाने नहीं देना चाहता है और SN1 प्रिफर करता है 3 डिग्री, इसलिए 3 डिग्री हुआ तो SN1 ही होता है बाय डिफॉल्ट। समझ गए बात,
ठीक है भाई, तो ये नोट कर लो। एक और फैक्टर है, ये लिखो, लिख लिया ना, रिलेटिव रेट लिख लो। इसके बाद एक और फैक्टर है जो इस चीज को अफेक्ट करता है, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट। इफ एनी फैक्टर इज देयर विच आर गोइंग टू स्टेबलाइज दिस ट्रांजिशन स्टेट, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज रेट। कैसे? क्योंकि अगर आप टीएस को स्टेबलाइज करते हो तो ये स्टेबल होने का मतलब क्या हुआ? नीचे आ गई एनर्जी, और नीचे आ गई मतलब एक्टिवेशन एनर्जी घट गई, तो मतलब फास्ट हो जाएगा रेट। सो इफ सम फैक्टर विच विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, दैट विल ऑल्सो इंक्रीज रेट ऑफ SN2। लिखो, एनी फैक्टर विच विल स्टेबलाइज द एनी फैक्टर विच विल स्टेबलाइज द क्या स्टेबलाइज करने की बात कर रहा हूँ, ट्रांजिशन स्टेट विल क्या चीज बेटा? इंक्रीज द, बोलो ना, हाँ जी, रेट ऑफ SN2। अब एनी फैक्टर विच विल स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट विल इंक्रीज द रेट ऑफ SN2। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर आते हैं? एक तो बेटा, अगर ना इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप अटैच हो जाए, तो आप सोचो अगर विद्रॉइंग ग्रुप अटैच हो गया यहां पे, तो इस पे ज्यादा प्लस लाएगा, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ, रिपल्शन बैरियर कम हो जाएगा, तो ये जो बैरियर हाई था पहले वो लोअर था। सो इफ इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप इज अटैच्ड, दैट विल स्टेबलाइज ट्रांजिशन स्टेट, नंबर वन। एक और फैक्टर है जो स्टेबलाइज करता है, वो देख लो, और वो है बेंजीन। देखो क्या मैं बोलूं इसको, बताओ। ये मान लो आपके पास लीविंग ग्रुप था, और जब न्यूक्लियोफाइल इसके पास आ रहा था बेटा, तो इसका जो ट्रांजिशन स्टेट था, और कितने लोगों को ये समझ पड़ रहा है ट्रांजिशन स्टेट? जब OH आ रहा हो, CL जा रहा हो, उससे उस समय कितने लोग कह रहे हैं ये समहाउ इट विल बी लाइक अ वेकेंट ऑर्बिटल, और वेकेंट ऑर्बिटल है तो कितने लोग कह रहे हैं ये कार्बो के टाइम की जैसा ऑर्बिटल क्रिएट हुआ, और यहां बगल में पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ कॉन्जुगेट कर सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल कार्बो के टाइम में आप कराते थे, बोलो ना। तो बताओ, कॉन्जुगेशन से, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से स्टेबिलिटी बढ़ता है। सो दैट इज वाई इंटरेस्टिंगली इसका कार्बो कैटायन भी अच्छा बनता है, और ये SN2 से भी ठीक ठाक रेट से जाता है। दोनों चीजें अच्छी हैं इसके अंदर, ठीक है। एक और केस दिखाता हूं उस कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी का, एक और है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, और सबसे ज्यादा जितने भी मॉलिक्यूल अभी तक बेटा मैंने आपको बताए हैं, उन सभी में सबसे फास्ट रेट इसका होता है, फास्टेस्ट। मैं आपको एक आइडिया लेके बताता हूं, जैसे मान लो आपने लिया है प्रोपेन, और मान लो इसका आपने किसी एक न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा रहे हो, वो भी मैं फिक्स कर दे रहा हूं, कौन सा न्यूक्लियोफाइल कर दे रहा हूं, NaI in AC2 मान लो ये ले लिया, और इसका मैंने बोल दिया कि ये आर नॉट इसका रेट है, ये कौन सी डिग्री का था, 1 डिग्री, इसका रेट आर नॉट है। तो आप ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे किताबों में, तो ये लिखा हुआ है अगर ये CH3Cl हो जाए और सेम NaI एसीटोन लो, तो ये 200 टाइम्स ऑफ आर नॉट हो जाएगा, इतना फास्ट हो जाता है ये, क्योंकि ये 1 डिग्री था, ये नॉर्मल मिथाइल हो गया, कोई हिंड्रेंस है ही नहीं, तीनों हाइड्रोजन। उसी किताब में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर ये बेंजीन लग करके क्लोरीन आ गया, और यही सारा कंडीशन आपने दे दिया, तो ये भी 200 आर नॉट होगा।
अब कहोगे सर ये बताइए ये आ गया तो हमें कैसे मालूम एसिड बन गया है सिंटू, तो कंडीशन देखो, कंडीशन में एसीटोन कैसा सॉल्वेंट है, क्या पोलर प्रोटिक है? नहीं सर, ये तो बिल्कुल पोलर ए प्रोटिक से भी थोड़ा पीछे वाला है। देखो एसीटोन को मैंने आपको वीकली पोलर में लिखा है, तो ये तो कार्बोकेटायन बनने ही नहीं देगा, क्योंकि कार्बोकेटायन बनेगा ही तभी जब उसको भी सॉल्वेट करें अच्छे से, और सॉल्वेशन तभी होगा जब सॉल्यूशन कैसा हो, पोलर प्रोटिक, तभी केटायन का सॉल्वेशन होता है। बोलो भाई ये सब चीजें याद है ना? हाँ, तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये 200 आर नॉट जो आ रहा है इस कंडीशन की वजह से, मुझे ये समझ में आया कि ये भी SN2 है, ये भी SN2 है, ये भी SN2, सॉरी ये वाला नहीं बल्कि CH2 चाहिए, माई बैड ना, वो तो डायरेक्ट जी लिखना भी नहीं चाहिए, CH2 चाहिए, बेंजाइल क्लोराइड। अब इससे भी जो सुपर फास्ट जाता है, इससे भी जो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दैट इज दिस मॉलिक्यूल। डबल बॉन्ड हो और CH2Cl आ जाए और सेम चीज रख लो, तो ये 10 के पावर 5 टाइम्स R0 हो जाता है, 1 लाख गुना ज्यादा पड़ गया, इतना फर्क पड़ता है, हाईएस्ट एवर। ये है पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विथ कॉन्जुगेशन स्टेबलाइजेशन ना। और खैर ये आंसर आप पूरा डिटेल में करोगे तो ये MOT से एक्सप्लेन हो पाएगा, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थियरी से, VBT से तो बस इसका इंपैक्ट कितना लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, MOT लगाओगे तो पता चलेगा कि इसमें एक नए इवन लोअर एनर्जी का मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है जो कि इस अटैक को फास्ट क्रिएट बना देता है। ठीक है, तो बेटा इसको अच्छे से नोट कर लेना, दिस इज रिलेटिव ऑर्डर, रिलेटिव रेट फॉर SN2, सबका लिख लो अच्छे से, पूरा डेटा है, रिलेटिव रेट फॉर SN2 नोट कर रहे हो ना अच्छे से। कर लिया सबने नोट? चलो भाई, तो फैक्टर्स फेवरिंग आपने SN2 लिख लिए हैं, टेम्परेचर वाला लास्ट लाइन लिख लो क्या है, टेम्परेचर का लाइन क्या है भाई, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड SN2 बिकम्स मोर फेवरेबल, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे बाई मॉलिकुलर रिएक्शन ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। If the temperature is increased, कर लिए सबने, बोलिए बच्चा पार्टी हो गया,
SN2 हो गया, SN1। अब मैं आपके सामने कुछ मॉलिक्यूल्स दूंगा, आप मुझे बताना कि कौन सा। लुकिंग एट, ध्यान से सुनो, लुकिंग एट ऑल दी फैक्टर्स, फेवरिंग फैक्टर्स, आप मुझे ये बताना रिएक्शन कौन से वाले साइड में ज्यादा तेजी से मूव करने की कोशिश करेगा, कौन सा मैकेनिज्म अडॉप्ट करेगा। हमेशा याद रखना बेटा, अडॉप्टेशन डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर इज मोर डोमिनेंट ना। अब जैसे मैं आपको लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, आइडेंटिफाई द पाथ ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई दी पाथ ऑफ दी फॉलोइंग रिएक्शन। चलो बेटा, बताइए भाई, ये तो दोनों तरीके से जा सकता था, SN1 से भी एंड SN2 से भी। बोलो भाई, याद करो, SN2 में ये बेंजीन का रिंग कॉन्जुगेट करके इसको स्टेबलाइज करता है, ट्रांजिशन स्टेट को। SN1 में क्यों? क्योंकि ये बेंजाइली कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। तो अब जब ये दोनों तरीके से जा सकता है, तो मैंने ये दो अलग अलग तरीके का कहानी दे दिया आपको। मैंने दे दिया इसमें वाटर एंड ओएच माइनस, और ये दे दिया NaI इन एसीटोन। यानी मैंने सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल थोड़ा अलग कैटेगरी के डाल दिए। तो बताओ इधर वाले साइड से और इधर वाले साइड से डिफरेंस क्या है, कौन SN1 होगा कौन SN2 होगा, बताइए। बोलिए, और दोनों का प्रोडक्ट भी बनाइए। ऊपर वाले में क्या हुआ? SN1, वेरी गुड। ये किससे जाएगा? तो भाई SN1 से जाएगा, तो इसमें रेसमाइजेशन होगा, ये सुनो। बिल्कुल नहीं, इसलिए क्योंकि ये काइरल सेंटर है ही नहीं, तो रेसमाइजेशन का मतलब ही क्या है? ये काइरल सेंटर होता तो रेसमाइजेशन बोलते ना। कितने लल्लू हो यार तुम लोग, इजिली बेवकूफ बना सकते हो तुम लोग को। ये बताओ ये कौन से पाथ से जाएगा? SN2 से। ये 1 से क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया, न्यूक्लियोफाइल ओएच माइनस इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, कार्बोकेटायन की टेंडेंसी बढ़ गई। इधर ले लिया मैंने एनए एसीटो, ये किधर की टेंडेंसी बढ़ा रहा है? न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, तो बेटा बताओ क्या बन गया ये? बताओ, यहां तो इन्वर्जन होगा, अगेन इन्वर्जन का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये काइरल सेंटर। क्या हो रहा है ये तुम लोगों को? ठीक है, तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट, इसका ओएच, इसका ये पाथवे, ऐसे सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मान लो ये Br बन गया, ये Cl था, ये Br, ये कौन से डिग्री का हैलाइड है? कौन से डिग्री का है बोलना है, कौन से डिग्री? अनजिप, अनजिप, कौन से डिग्री का है ये? 2 डिग्री का है भाई। जिप लगा रखा है क्या तुम लोगों ने? नहीं ना, अनजिप करके थोड़ा सा बोलो, जरूरी है, पार्टिसिपेट नहीं करोगे क्लैरिटी नहीं आएगा। गलत ही बोलो, गलत बोल रहे हो, थोड़ा सा समझ में तो पड़ेगा कि क्या गलती हो रही है। चुपचाप रहोगे तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आ रहे बात समझ में तनो बाबू? बात समझ आ रही है? बताइए ये 2 डिग्री है, अब मुझे बताओ 2 डिग्री किधर फेवरेबल ज्यादा होता है, SN1 या SN2? दोनों
हाँ जी सर, डिपेंड करेगा, 3 डिग्री होता तो हम 1 डिग्री होता तो ये बीच वाला आ गया यार। तो ये बाकी कंडीशन देखो, फिर से वही कहानी। अगर मैं वाटर दे दूं और इधर दे दूं DMSO NaOH, यहां वाटर NaOH, तो क्या होगा? प्रोडक्ट दोनों का सेम ही होगा। इजी है ना? बोलो। चलो बेटा, इतनी समझदारी तुम लोगों के अंदर आ गई है, आ रही है ना? मैं मान रहा हूं बेटा, रियल में आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसके बारे में बताओ, अगर मैं इसके साथ न्यूक्लियोफाइल लूं तो क्या होगा? ये SN1 या SN2? आइए समझते हैं इसको, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। कितने लोग बोल रहे हैं सर ये बिल्कुल आप बात बड़ा खतरनाक सा पूछे, क्योंकि अगर इसको इमीडिएट तोड़ दिया तो जब तक इसको तोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं लोग ना, ये प्लस बन गया। क्या ये स्टेबल कार्बोडायन है? अगर ये बन भी गया किसी तरीके से तो रीअरेंज हो जाएगा। तो पहली बात तो ये बनने में ही ज्यादा प्रॉब्लम है ना, रीअरेंजमेंट तो बाद की बात है, पहले तो बनना चाहिए। तो क्या लिखोगे? PRR पूरे सिनेमा। नाउ कमिंग टू SN2, बताइए SN2 अच्छा होगा? द राइट आंसर इज पुअर। ये क्या मजाक है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इसके दो हाइड्रोजन तो है, मैं माना लीविंग ग्रुप भी क्लोरीन है, लेकिन ये जो साथ में लगे हुए काका लोग हैं ये पूरा ऐसे अच्छे से इसको स्क्रीन कर दिए हैं। आने वाला न्यूक्लियोफाइल ऐसे थोड़ी ना बोलेगा भाई थोड़ा जगह बनाओ फिर मैं आता हूँ, ऐसे थोड़ी ना करने वाला। ये तो इस साइड से आएगा, रिपल्शन होगा, उधर ही रह जाएगा। इसलिए ये एक ऐसा एग्जाम्पल है, दोनों ही घटिया है, SN1 भी SN2 भी, बोथ आर पुअर। SN2 क्यों? जबकि ये 1 डिग्री है इसलिए याद नहीं करना होता है। अगर बीटा कार्बन हैविली सब्स्टिट्यूटेड हो जाए तो भी SN2 चाहे वो 1 डिग्री का हो तो नहीं होगा, पूर SN2, बिकॉज ऑफ बीटा कार्बन इज हैविली सब्स्टिट्यूटेड। इज दैट क्लियर बड़ी? एनी डाउट? नो डाउट? इज डाउट? गुड। सही जा रहे हो, कहाँ मैं बोल रहा हूँ। चलो और दिखाओ। आई चलिए, बहुत बातें करनी है हम लोगों को, इतनी बातें हैं ना हमारे पास करने के लिए। बोलो। बताइए बताइए बताइए। बोलो भाई। SN1 और 2? 1 और 2?
बोलो। ऑफ कोर्स SN2, वन का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये कार्गो केटायन कभी जिंदगी में नहीं बनेगा, हाईली अनस्टेबल कार्गो केटायन है, बगल में डबल बॉन्ड, ऐसा तो तुम लोग बेवकूफी नहीं कर रहे ना, इसको दे दिया। दिस इज क्राइम, यू नो व्हाई व्हाई इट इज क्राइम? नॉट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज यू हैव गिवन द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन टू सम अदर एटम एंड मेड ऑक्सीजन डिप्राइव ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये सब इसीलिए ये रेजोनेंस भी हम लोग दिखाने के लिए मना करते हैं, बोलते हैं मत दिखाओ, पैथेटिक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ये, काउंटिंग में भी नहीं लोग इसको इग्नोर मार देते हैं। इसलिए SN1 का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, SN2 ओनली। और थोड़ी देर पहले अभी दिखाया था तुम लोगों को, यहाँ आर की जगह बेंजीन लगाया है, और बोला था कि मिलियन टाइम्स फास्टर है नॉर्मल SN2। देखो देखो बढ़िया से, सब सुनाई दे रहा है मुझे। चलो नोट कर लिया तुमने, बोलो भाई। हाँ चलो फट फटाफट फटाफट और भी बातें करते हैं, बहुत बातें हम लोग करने के लिए। हाँ जी हाँ जी बच्चों, एवरीबॉडी कैन यू फोकस हियर ऑन द बोर्ड। बोलिए बेटे लो, बच्चा पार्टी। अरे बताइए, नो रिएक्शन। आओ समझो क्यों, क्योंकि
ये ब्रिज पे कभी भी कार्बो कैटायन स्टेबल बनता ही नहीं है, बिकॉज दिस कार्बन कैन नॉट एक्वायर, कैन नॉट बी प्लेनर. क्या प्लेनर हो सकता है? आप सोचो, वो नीचे से भी अटैच है, वो कभी भी प्लेन में आ पाएगा? तो फिर एंगुलर स्ट्रेन है इसके वजह से ये बिल्कुल नहीं. अब प्लेन में आने के लिए इसके इस कार्बन के बीच में ये दो दो कार्बन, इसके बजाय दस दस बारह बारह कार्बन होते तो आराम से फ्लिप कर जाता, बट अभी नहीं कर सकता है. इसलिए ना तो कार्बो कैटायन बनेगा, और कार्बो कैटायन है नहीं. लेकिन SN2 की जब बात करेंगे तो कितने लोग कह रहे हैं, चारों तरफ से तो घेर रखा है सर आपने, आएगा कहां से न्यूक्लियोफाइड? बैक्टीरिया अटैक के लिए जगह नहीं है क्राउडिंग के वजह से. इस वजह से दोनों ही बेकार, चांस ही नहीं है. नो एस पुअर नहीं, नो SN1 नो SN2. पुअर तो तब लिखते हैं ना जब कुछ हो रहा हो. अरे अच्छा, आइए और एक एग्जांपल पूछते हैं, एकदम अच्छे से सोच समझ करके आंसर करना है. बोल भाई, क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा? कितने लोग कह रहे हैं सर कार्बो कैटायन तो बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है कि बगल में ही लोन पेयर की स्टेबिलिटी आ रही है, और लोन पेयर की जो स्टेबिलिटी आएगी, देख लो इसका लॉस नहीं हुआ. 80 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसके पास है, टेंशन मत लो. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव लाना बुरी बात नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली डिप्राइव करना बुरी बात है. तो क्या हो गया ये? यस ऑफ कोर्स SN1. ओके, हाउ अबाउट दिस? हाँ, अरे कैसे हो यार तुम, कैसे हो प्यारे बच्चा? देखो इसको, ये ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा ये एरोमेटिक. अरे यार बोलो, एरोमेटिक बन गया. एरोमेटिक बन गया तो बहुत हाई टेंडेंसी है कार्बो कैटायन बनाने की, तो SN1. आई होप अब आपका थोड़ा सा दिमाग खुल गया होगा. ये एक लास्ट एग्जांपल ऑफ SN1 वर्सेस SN2, एंड वी आर डन विद दिस नाउ. SN1 SN2, इसके बाद NGP पढ़ना है. क्या मजा आती है, बहुत कहानी है. बस अब हम लोग इस चैप्टर के एंडिंग पे ही, रिएक्शन चल रहे हैं ना. बोल भाई, रिएक्शन ही खत्म है ना बस. इसके बाद SN1 SN2 पढ़ लिया, NGP पढ़ लेंगे आज, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. NGP पढ़ लेंगे, NGP पढ़ने के बाद हमारे पास क्या बचेगा फिर? SNI जो कि एल्कोहल में पढ़ना है, और क्या, अराइल वगैरह के थोड़े सब्स्टिट्यूशन पढ़ने हैं, वो करेंगे. अभी इलिमिनेशन बचा हुआ है, तो अगली क्लास में ये आपका चैप्टर अल्काइलेट खत्म हो जाएगा. उसके नेक्स्ट क्लास में अल्कोहल ईथर फिनॉल हम लोग शुरू करेंगे. जल्दी 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 करो.
बोलिए, विल देयर बी एनी रिएक्शन गाइज? देयर देयर देयर, कम ऑन एवरीबॉडी, कौन सा फिनॉल, क्या क्या बावड़ा हुआ जा रहा भाई, बोलना कौन सा फिनॉल? हाँ जी करें, बताइए बड़ी सेल में एसएन टू ऐसे कैसे सोच लेते हो? देखो यहाँ यहाँ सैंडविच की तरह ऊपर नीचे इलेक्ट्रॉन फैले पड़े हैं, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, रिपेल हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड से, बैक साइड जाने का एंट्री नहीं है, डोर्स आर क्लोज, नुकसान 100%। चलो ठीक है, सबको क्लियर हो गया? हेडिंग डालिए नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP। चलो बेटा एनजीपी में देखें, ध्यान से सुनो, ध्यान दो इधर, एनजीपी के अंदर मैं डिस्कस कर रहा हूं, अब बहुत बहुत ध्यान से सुनना है सबको, ठीक है? बिल्कुल बातें नहीं करनी है। और मैं थोड़ा सा कहानी ऐसा कुछ कर देना चाह रहा हूं कि इन दोनों में से ना एक पे स्टार लगा देना चाह रहा हूं, स्टार, आप समझ गए? जहां पे सी स्टार जैसे लिखा, इसका मतलब क्या है? C14 आइसोटोपिक रेडियो एक्टिव। ओके, तो अब यहां पे ये रखा है बेटा, और यहां पे मैं आपके सामने ले रहा हूं OH-, एक्वस, एक्वस एनेओएच। या सिंपली एनएमएस ले लो, डीएमएसओ में भी ले लोगे तो कोई ऐसा चेंजेस नहीं होने वाले हैं फिलहाल, तो ये OH- ही रहेंगे। अब देखो आप इसका एक बार प्रोडक्ट बनाओ, फिर हम बात करते हैं, ड्रॉ द प्रोडक्ट।
मिल जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने बना लिए प्रोडक्ट्स, क्या क्या बना लिए तो बताइए। बोलिए क्या बनाया। आइए, बड़ा सिंपल सा चीज है, इसका प्रोडक्ट क्या बनाएंगे कि सर ये लीविंग ग्रुप है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो यार, तुम कितना बात करते हो। देखो OH माइनस इसको उड़ा करके यहाँ पे ये बना देंगे। बोलो, तुम भी यही बोलना चाह रहे थे, यही बोलना चाह रहे थे बस। सर करना क्या है, किसी की जगह OH डाल दो बस, यही ना, और क्या करना है। हाँ अरे यार, ये काइरल सेंटर है क्या? नहीं ना, तो डज इट मैटर कि लेफ्ट लगाए या इधर की तरफ लगाए, किसके साथ? सल्फर के साथ पार्शियल एक्टिविटी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बॉन्ड ये तो कंफर्मर में घूमता ही रहेगा, मैं उससे अभी टेंशन में नहीं हूँ। प्रोडक्ट यही आएगा, कंफर्मरी फॉर्म छोड़ दो, किस कंफर्मर में रहेगा वो भी डिस्कशन में। ये बनेगा, किसी ने बनाया था ये प्रोडक्ट। आइए, इसके साथ एक और चीज बनता है जो आपके समझ से भी थोड़ा ऊपर जाने वाला है। लिसन टू मी, फिर बातें शुरू होगी, मैं इधर समझा रहा हूं। दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो फॉर्म्ड। अब आप देखो थोड़े होश उड़ रहे हैं, ये तो ऐसा मजा आ गया जैसे कि ये पूरा ऐसे घूम गया हो और उस पर लग गया हो। ये मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा बनता है, क्या करें भी, क्या करें? लक्ष्मी क्या करें, मजाक क्यों हो रहा है? आप देखो समझो, यहीं पे कमाल है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का ना। सेटिंग मैंने बोला है, आपको क्या लिखना है, NGP, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा गामा, गामा पोजीशन पे लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में नंबर 3 पे हो या 5 पे, ऐसा कोई ग्रुप जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, उन जगहों पे एनजीपी होने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं। कौन से मैंने बोला, लीविंग ग्रुप के रेस्पेक्ट में 1, 2, 3, थर्ड नंबर या फिफ्थ नंबर पे कोई अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी में हो, ऐसे केस में क्या बढ़ जाता है? बोलो, एनजीपी का रोल बहुत बढ़ जाता है। कैसे होगा वही मैं दिखाना चाहता हूं। एक बात बताओ बेटा, सल्फर के पास क्या लोन पेयर है? बोलो ना, क्या वो थर्ड नंबर पे प्रेजेंट भी है? क्या ये लीविंग ग्रुप भी है? बोलो ना, बगल में लोन पेयर भी है, न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है इनसाइड द मॉलिक्यूल ओनली, दूसरे से बाहर से आकर के अटैक करना इजी होगा ऐसे केस में, या इंटरनल अटैक इजी होगा? देखो मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या होंगे भाई, दो मॉलिक्यूल हैं दूर दूर से, पहले वो आ करके ओरिएंट हो करके इसके पास कोलाइड करेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस, ये यहीं से अटैक कर देगा, इसको बाहर निकाल देगा। इसलिए तो बोल रहे नेबरिंग, इसका ही पड़ोसी ने अटैक कर दिया इस पर। निकल गया। अब देखो क्या बना है इस पर, ध्यान से देखो। नाउ वी हैव गॉट अ सल्फर विच इज नाउ अटैच विथ 2 कार्बन एंड अ स्ट्रेन्ड 3 मेंबर रिंग। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड दिस? सीएल माइनस जा चुका है बाहर, एनजीपी का अटैक हो गया है, 3 मेंबर्ड स्ट्रेन रिंग इस फॉर्म। कब ऐसा हो रहा है? जब घर के अंदर ही विभीषण पहले से ही हो, यही आके अटैक कर दिया, लंका पूरी गायब होगी।
डिस्क्रेडिंग है, विभीषण को रेस्पेक्ट करना चाहिए हमें, यहाँ से ये अटैक कर रहा है एनजीपी एंड ये निकल गया। अब देखो अभी भी है तो ये स्ट्रेन रिंग ना मोटू लोग, इज इट अ रिंग, नॉर्मल रिंग? नो स्ट्रेन। अब स्ट्रेन रिंग है तो यहाँ पे जो आपने OH माइनस लिया था एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है 50% चांस है, और इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है 50% चांस है। देख मोटू अगर इस पे अटैक किया तो ये ओपन हो जाएगा, तो यानी CH2OH CH2SCH3 ये बनेगा। इस पे अटैक कर दिया तो यहां से ये ओपन हो जाएगा, ध्यान देना, जब इधर से अटैक करेगा तो ये ओपन, और इधर से अटैक किया तो ये ओपन। जैसे ये बॉन्ड मत तोड़ना, ये लिविंग ग्रुप अच्छा थोड़ी ना, कार्बन नेगेटिव, सल्फर न्यूट्रल ग्रुप इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो वी आर गोइंग टू गेट दीज टू प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड? अब समझ में आया हो कैसे जो अजीबोगरीब चीज लग रही थी कि ये कैसे ऐसे उलट गया, वो एक्चुअल में रिंग के वजह से ऐसा होता है। नोट कर लो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बात सीख लो। पता है एनजीपी के अंदर क्या है? दो SN2 है, पहला इंटरनल SN2 है और दूसरा एक्सटर्नल SN2 है। एनजीपी होने से नॉर्मल SN2 के रेट में हजारों गुना, 10,000 गुना तक का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, इतना फर्क पड़ जाता है एनजीपी होने से। लिख लो, एनजीपी इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन सब्सटैंशियली, सब्सटैंशियली। एनजीपी कंसिस्ट ऑफ टू बैक SN2, टू बैक SN2 रिएक्शन। एनजीपी कंसिस्ट ऑफ टू बैक SN2 रिएक्शन। नोट कर लिया? बोलिए, मैकेनिज्म नोट कर लिया आप लोगों ने? एनजीपी और एक जगह दिखाऊं? और सारे सारे एनजीपी को इकट्ठे दिखा देते हैं, कहानी खत्म करते हैं। एक नोट कर लिया था मैंने इसको, कर लो जल्दी। और एनजीपी देखो, यहां दिखाता हूँ, ध्यान से देखो। समझ में आया कुछ? गाइस वी आर गोइंग टू गेट टू प्रोडक्ट्स इन दिस केस। नंबर वन विच वी आर गोइंग टू गेट इज CH2* एंड CH2OI। द सेकेंड प्रोडक्ट दैट वी आर गोइंग टू गेट इज Again, can you see that? Can you see this miracle? It is happening like this. आपको भी सर आपने अभी समझाया था नंबर 3 एंड नंबर 5 पे होने से एनजीपी के चांसेस बढ़ते हैं, राइट? यहाँ इसका सिग्मा स्टार था। अब देखो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये उठ के यहाँ जाता है और ये बाहर निकल जाता है, क्योंकि आप देखो इसके रिस्पेक्ट में 1, 2 एंड 3 पे इलेक्ट्रॉन है, पहले
बेंजीन का ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या बन जाएगा ध्यान से देखो, जैसे ही बेंजीन का इलेक्ट्रॉन गया वैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अब ये किसके साथ कनेक्टेड हो गया बेटा, ये जो बॉन्ड था यहां से उठ के ऐसे कनेक्ट हुआ, कैन यू सी दिस अगेन, अ स्ट्रेन थ्री मेंबर्ड रिंग एंड दिस बिकेम नॉन एरोमेटिक। ये दोनों ही अनस्टेबल। अब फिर कितने लोग कह रहे हैं, अब ये जो आई माइनस है ये ऐसे अटैक करेगा सच दैट एरोमेटिसिटी आ जाए, तो अगर ये ऐसे इधर अटैक किया और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर वापस आ जाए तो एरोमेटिक बन जाएगा। कितने लोग कह रहे हैं ये इधर अटैक कर दे और ये वापस इधर की तरफ आ जाए तो भी एरोमेटिक बन जाएगा, तो इसलिए यहां भी और यहां दोनों जगह पे अटैक होने के चांसेस हैं। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस टू, यू कैन राइट दिस इज एनजीपी अगेन, नोट इट डाउन, बहुत फास्ट नोट करो इसको, बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। बोलिए बेटा, हैव यू गाइस नोटेड इट डाउन? वेरी गुड बेटा, नो चलिए आपको तीसरा एनजीपी दिखाता हूं। देखे अब ये लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5th नंबर पे है, देखो लोन पे ये डोनेट करके इसको बाहर निकाल देगा, बिल्कुल देखो ये अप साइड में है, बेसिकली मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा तो नहीं है, आपको मालूम है ये बैक साइड होना चाहिए लिविंग ग्रुप का, ऐसे है तो ऐसे अटैक कर लेगा, नीचे है तो यहाँ एनजीपी कभी कभी पूछ लेता है कि भाई इसमें बताओ एनजीपी होगा क्या, ये ओटीएस है और इधर लोन पे वाला भी ग्रुप इधर ही है, अब इसमें हो पाएगा नहीं, दोनों सेम साइड हो गए, अलाइनमेंट होना चाहिए ऐसा SN2 के लिए, तो यहाँ पे एनजीपी होगा और फाइनल प्रोडक्ट क्या आएगा बोलो, ए
एक बार इधर किया, बैक साइड वापस से अटैक हो गया। एक चीज आप देख रहे हो, देर यूज टू बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक बार एस एन टू किया तो इन्वर्ट हो गया, दोबारा एस एन टू हुआ तो वापस इन्वर्जन। तो एनजीपी में रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोट कर लीजिएगा, बिकॉज ऑफ डबल एस एन टू, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। एक और दिखाता हूँ, वो थोड़ा एडवांस लेवल का चीज है, नो एनजीपी लिख लेना, नो एनजीपी। क्यों नो एनजीपी है? बिकॉज ये, हाँ, इंटरनल अटैक पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों सेम साइड हो गए। एस एन टू इज नॉट पॉसिबल। कौन सा एस एन टू? इंटरनल, द इंटरनल एस एन टू का मतलब समझ रहे हो ना, एनजीपी वाला इंटर की बात करो, एनजीपी वर्ड इज मोर एप्रोप्रिएट। ओके, गॉट इट। एक और जगह बेटा, यहाँ पे भी होता है ये। अब ये केस आप देख लो, नॉरबॉर्नी वाला जो केस, तो मान लो यहाँ लीविंग ग्रुप है क्लोरीन और यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे अगर आप OH माइनस आप डालते हो तो इसके अंदर भी, यहाँ OH इसी साइड से अटैच होने वाला है। और फिर से देखो, यहाँ पे ये वन है, ये टू है, ये नंबर थ्री पे पाई इलेक्ट्रॉन, जो जैसे बेंजीन के अंदर आया था वैसे ही आएगा। इसका जो कार्बोकैटायन बनता है बड़ा ही अजीब सा है, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, कुछ इस तरीके का। अगर इनके अगर ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट से जाता तो ये कुछ ऐसा, 20+, यहाँ डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिलहाल आप ऐसे समझो कि इसने उठा के इसको दिया, ये बाहर निकल गया, यहाँ प्लस आया, स्ट्रेन रिंग, वापस अटैक हुआ, वापस वो पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया। सो हियर ऑल्सो एनजीपी टेक्स प्लेस, डबल एस एन टू। सो मैंने एनजीपी के जितने भी केसेस थे वो सब आपको दिखा दिया। अगली क्लास में कोशिश करेंगे कि हम सब खत्म कर दें, इलिमिनेशन भी, और साथ के साथ ARSN2, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।